जब ये खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ये इनकी तारीफ है कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इनको खुद को समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को? हमारे सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है, जानता है कि 2005 में भी थे, तो आप लोग के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, क्या बोलते थे कि बीजेपी वाला हमको जबरदस्ती बना दिया, इतना जबरदस्ती बना दिया तो काहे नहीं राजद के सामने जाके प्रस्ताव रखे थे 2020 में? परिणामों के बाद तो बड़ा गला चीख चीख के बोल रहे थे कि हम कहाँ बनना चाहते हैं। तो भाई राजद वाला तो नहीं बोलता कि आप ही संभाल सकते हैं, वो लोग तो बोल रहे कि आप जाइए देश संभालिए। और ये वही है क्विंटल बाबा, कोसी के मसीहा बने फिरते थे। क्या हो गया भैया आपको? अब आपको जरूरत नहीं है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि अब आप समीकरण के माहिर हो गए। हमको तो समझ में नहीं आता, जब ये खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ये इनकी तारीफ है कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इनको खुद को समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को? सोशल इंजीनियरिंग कोई तारीफ नहीं है मुख्यमंत्री जी आपकी। जातीय समीकरण को बिठा बिठा कर चुनाव जीतना और इनको ये अस्त्र पता चल गया, इसीलिए काम करना ये जरूरी नहीं समझते? क्या काम किया? उस दिन बोल रहे थे ना, हमारे सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है, तो आप लोगों के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है, जानता है कि 2005 में भी थे, तो प्रभु 2005 में थे, 2020 में फिर आप तीसरे नंबर पर आ गए, तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों आ गए। बिहार की जनता ने आपको सराखों पे बिठाया था, ठीक बोल रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी, 2010 में आपको सराखों पे बिठाया था, इसी जनता ने अपार बहुमत दिया था, कमियां आप में रही कि 2010 से 2020 आते आते उस अपार बहुमत से आप पुनः तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। क्यों बने? ये आत्ममंथन की थी। आज किसी दूसरे की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या बोलते थे कि बीजेपी वाला हमको जबरदस्ती बना दिया, इतना जबरदस्ती बना दिया तो काहे नहीं राजद के सामने जाके प्रस्ताव रखे थे कि हम गठबंधन करेंगे पर तब करेंगे जब आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कहे जाके फिर उसी के मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए वहां पे। 2020 में परिणामों के बाद तो बड़ा गला चीख चीख के बोल रहे थे कि हम कहां बनना चाहते हैं, यही लोग बोला कि आप ही बनिए, आप ही बिहार संभाल सकते हैं। तो भाई राजद वाला तो नहीं बोलता कि आप ही संभाल सकते हैं, वो लोग तो बोल रहे कि आप जाइए देश संभालिए, हम लोग आने को तैयार हैं, तो कहे नहीं जाके इस्तीफा दे देते, बना देते। पर हकीकत है कि इनकी कथनी अलग, करनी अलग, और ये तमाम घटना दिखाती है कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर। आज जब जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, आज जब इनके खुद के पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है, तो मुख्यमंत्री मौन है। आज जब बाढ़ सुखाड़ से बिहार ग्रस्त है, तो मुख्यमंत्री खामोश, दिल्ली जाकर बैठे हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि उनकी दुख की घड़ी में आज कौन उनके साथ खड़ा है, और यही कारण था कि 2020 में चिराग मॉडल इन जन भावनाओं का ही प्रतिबिंब था, इसी वजह से 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी हो। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।